आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और टेस्टी आलू भुजिया, जो बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे दाल चावल या पूड़ी पराठे किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे, 4 से 5 बारीक कटी हुई लहसुन डाल देंगे, इसमें 1/2 छोटी चम्मच मेथी के दाने डाल देंगे। मेथी से तड़के लगाने पर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में हम 3 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। मैंने मिर्च में ऐसे चीरे लगा लिए हैं। सभी चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और ये मैंने 3 से 4 आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस आलू भुजिया को बनाने में आपको 10 मिनट से भी कम समय लगता है, झटपट बन के तैयार हो जाता है। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, अच्छी तरीके से मिला देंगे। और साथ में ही हम नमक भी डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से मिला देंगे और इसे ऐसे चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। और एक बार मैं इसे चला देती हूँ, 5 मिनट हो चुके हैं और जो मेरी आलू है वो लगभग 70 से 80% तक पक गया है। थोड़ा सा और पकाना है तो 3 से 4 मिनट और फ्राई कर लेंगे। और ये हमारी बहुत ही अच्छी आलू भुजिया बनके तैयार हो गई है। बहुत अच्छे से फ्राई भी हो गई है, ये देख सकते हैं। बहुत ही झटपट और टेस्टी आलू भुजिया बनके तैयार हो गई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।